पिछले 40-50 साल गुलबर्गा शहर में जिस तरीके से अमन से कारोबार किया जा रहा है, आप चप्पल बाजार का मामला लीजिए या कपड़ा बाजार का मामला लीजिए, आप कारपोरेशन कॉम्प्लेक्स का मामला लीजिए या हमारे जो ठेला भंडी के मामला ले लीजिए, टांगा स्टैंड का मामला ले लीजिए, 50 साल से कारोबार कर रहे हैं। 50 साल में एक मर्तबा कोई बदअखलाक आता है, कोई कंप्लेंट करता है तो पुलिस हरकत में आती है। कभी कभी पुलिस जो है उनके ऊपर भी जो इल्जाम लगते हैं उस इल्जाम को दूर करने के लिए एक आध मर्तबा आगे अगर ट्रैफिक क्लियर करती है, कोई एक जो है वो एक नया लीडर ही उभर के आता है, मैं तुम्हारा रहनुमा हूँ, मैं तुम्हारा लीडर हूँ, मैं तुम्हारे थे लिए खड़ा हूँ। देखिए आप सोचिए कहाँ पर है। अरे यार 50 साल से जो कारोबार करने दे रहे हैं वो नहीं कहीं आपके सामने आए कि आपको कारोबार करने दे रहे हैं। 50 साल से आपको कारोबार करने दे रहे हैं, वो देखिए आप एक 5-10 मिनट के लिए आपके अगर कारोबार को पुलिस आके डिस्टर्ब कर दिया है तो उसी के कहाँ है। मैं आपसे पूछता हूँ 50 साल से आप क्या हैं, आप आपके घर वाले जितने पार्टियां मरहूम खमरू सलाम साहब के सामने इंतखाबात लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं 1978 से यही कोशिश कर रहे हैं कि खमरू सलाम साहब को कांग्रेस को किस तरह से हराना है। लेकिन गुलबर्गे का एक गंगा जमुना तहजीब जिसमें दलित मराठी मुस्लिम लिंगायत जो मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं आज भी उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कई और पार्टियों के मैनिफेस्टो भी आ रहे हैं गुमराह करने के मैनिफेस्टो, अपना खुद का मैनिफेस्टो बना रहे हैं। जैसे कारपोरेशन कुछ तंजीम में जो कारपोरेटर मैनिफेस्टो बनाते हैं, अगर हिम्मत है तो मैनिफेस्टो को पार्टी के लिए पार्टी के प्लेटफॉर्म से ऐलान करें कि मैनिफेस्टो क्या कर रहे हैं। सिद्धरामैया साहब ने, डीकी सुकुमार साहब ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने गरीबों के लिए जो है गुलबर्गा नहीं बल्कि पूरे रियासत के गरीबों के लिए जो है अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है तो 200 यूनिट टैक्स चाहिए, हर घर की औरत के अकाउंट में जो है 2000 रुपए डाले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो वादा की है वो निभाई है। आर्टिकल 371 जे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो अपने इंतखाबात में ऐलान किया था, आज आर्टिकल 371 जे के तहत जो है आज कई जो हमारे इलाके के जो दलित हैं, बैकवर्ड हैं, माइनॉरिटीज हैं, तमाम के लिए 80% रिजर्वेशन इस इलाके के लिए रखा गया है, डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। आज आप जो भी डेवलपमेंट देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मरहूम खमरू सलाम साहब और डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का डेवलपमेंट है। ये इंतखाबात इसलिए ज़रूरी हैं कि ये इस इंतखाबात जो जालिम हुकूमत है जुल्म जो ढा रही है GST के शक्ल में ढा रही है करने वाले हैं। कभी कारोबार लेकर कभी कभी मामला आपके कारोबार के होते हैं उसके अंदर GST का मामला है। आप लोगों के सामने अहमद ने जो बातें कही हैं आप लोग खुल के उन्होंने जो कहा है आप लोग समझ गए हैं और क्यों ज़रूरत है हमको कांग्रेस पार्टी को लाने की, आप लोगों को पता है इस बात का। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला ये कॉम्प्लेक्स जो है ये एक मिसाली कॉम्प्लेक्स बनेगा इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में। तो आप लोगों को फिर से ये आप लोगों को ही अलॉट होएगा ये जो भी दुकानें हैं आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों का भी काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे भी और कई जगह जाने का है, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बात करेंगे। और आपसे इतना ये कहना चाहती हूँ कि 10 तारीख को वोट है, वो पोलिंग है, आप लोग जाकर सुबह सुबह अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। तो आप लोग पहले नंबर पे कांग्रेस पार्टी का निशान है, आप लोग वोट दीजिए। इंशाल्लाह ताला हम लोग आपका जो भी अधूरा काम है वो अब इसके बाद करना ही है, वो कैसा भी इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी आई तो और हमारे को ज़्यादा सहूलत के साथ हम ये काम कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो बस इतना कहना था मेरे को आप लोगों से, अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ मैं, शुक्रिया। मैं सिटी कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स का प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। मैडम कनीज फातिमा हैं कांग्रेस कैंडिडेट और तमाम हम वादा करते हैं कि कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स के लोग के मैडम को वोट देंगे कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इसलिए गुलबर्गे से लाना है क्योंकि जो गुलबर्गे के जो हालात हैं शुरू से ले अब तक, जैसा खमर साहब थे, खड़गे साहब थे, धर्म सिंह साहब थे, आज जो गुलबर्गा सिटी सबकी नज़रों में जो दिखे जा रही है जो डायमंड सिटी, ये एजुकेशन जो यहाँ तक के गुलबर्गे में जो एजुकेशन आया है, हाईकोर्ट आया है, एयरपोर्ट, ये जितना भी जो डेवलपमेंट वर्क हुआ है सिर्फ ये कांग्रेस की नज़र में है। अगर पिछला अगर 30-35 साल पहले देखेंगे तो गुलबर्गे के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं था, आज जितना जो डेवलपमेंट दिख रहा है एजुकेशन के हद तक, जैसा अप्पा जी है, बंदा नवाज है, जितना भी जो गवर्नमेंट एजुकेशन, जितने भी लोग इंजीनियर डॉक्टर जो बन रहे हैं गुलबर्गे के लोग,
कांग्रेस की बदौलत से बन रहे हैं। मैं तमाम लोगों से गुलबर्ग के नॉर्थ और साउथ से गुजारिश ये करता हूं कि जितना हो सके आप जो है कांग्रेस का साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि शहर के जो हालात हैं, चाहे कर्नाटक का लियो चाहे इंडिया लियो, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि अब जो हालात हैं, जितना हो सके इंशाल्लाह सुधारने की कोशिश करो, और जितना जो गया हुआ है वो याद करने की ज़रूरत नहीं, जो आने वाला वक्त है अच्छा लाने की कोशिश करो। मैं खुदा हाफिज़ तमाम मार्केट के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके अपने फैमिलीज़ को और अपने पड़ोसों को जितना हो सके कांग्रेस को वोट डालने की कोशिश करो। ये कॉम्प्लेक्स इतना इजी बनाया हुआ नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स अलाज मरहूम खामुन इस्लाम साहब की जो जस्तजू थी, इस जगह आप लोगों को वाजे करना चाहता हूँ कि इस जगह कुछ साल पहले अलाज खामुन इस्लाम साहब नेशनल लीग के MLA हुआ करते थे। यहाँ पर हमारे मुन्नू साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इस लाइन में सिर्फ 6 डब्बे मौजूद थे, 6 लकड़ी के। उसको अलाज खामुन इस्लाम साहब और इस मार्केट के डब्बों के यूनियन के सदर अब्दुल रहीम साहब चोंगे, सलीम साहब कलकत्ता, खयूम साहब बंदेली, इनके जस्तजू से एक कॉम्प्लेक्स का इतमाम हुआ। तो इसके वजूहत ये कॉम्प्लेक्स बनाना उतना इजी नहीं हुआ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने हम कुर्बाना दे के कॉम्प्लेक्स को कायम किए, इंशाल्लाह ताला आप लोग जितनी जस्तजू से जितनी अपनी जो नज अहम 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 अहमियत सर से अगर काम आप करेंगे, इंशाल्लाह ताला ये हमारी कुर्बानी और ये हमारी मेहनत जाया नहीं होगी। बच्चे और भी कुछ बच्चे कुछ कुछ काम है इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट, जैसा कि आप हर सर्वे में देख रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है। फिर से एक बार हमको मैडम को भी जिता के लाना है। बचे कुछ काम में इंशाल्लाह और डबल स्पीड से जो है ना मैडम आपका काम करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आप लोगों से भी मेरी एक गुजारिश है, आने वाले 10 तारीख को अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, मोहल्ले वाले, पड़ोस आस पड़ोस के सभी लोगों को आपको बोलना है, और आज से ही आपके पास में जब ग्राहक भी करते कैरी बैग के साथ में आपको ये भी बोलना है कि 10 तारीख को जो है कांग्रेस के हाथ के निशान पे वोट देकर जो है ना भारी अक्सरियत से मैडम को जिताना है। ये भी कोशिश आज से आपकी शुरू होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ऐसा करेंगे। और जैसा ही आप लोग पहले से साथ देते हैं, इस बार भी मैडम का भरपूर साथ देंगे।